जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाइडल पावर प्रोजेक्ट अलॉट करने का निर्णय ब्रेकल कंपनी को लिया था, उस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है जिसमें पहले हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए ब्रेकल कंपनी ने किया है। उस मामले में हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में जो इसको माननीय पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये सारा कॉन्ट्रैक्ट एक फ्रॉड के माध्यम से हासिल किया गया है, ना तो ब्रेकल का कोई कंसोर्शियम था, ना ब्रेकल का कोई ऐसा फाइनेंशियल पावर थी जिसके आधार पर ब्रेकल इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर सकता था। उसके पश्चात ब्रेकल का वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया और उनको जो अलॉटमेंट थी वो कैंसिल हुई। उस कैंसिलेशन के खिलाफ रिट याचिका भी हुई और वो सारा कुछ रद्द हो गया। उसके पश्चात रिलायंस को ये प्रोजेक्ट देने की बात हुई, लेकिन रिलायंस भी बैकआउट कर गया और जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में ये रिलायंस ने डाली थी वो याचिका भी रद्द हो गई या उन्होंने वापस ले ली। परंतु एक नया मोड़ इस मामले में तब आया जब अडानी पावर लिमिटेड एक कंपनी हिमाचल प्रदेश सरकार के पास आई और उन्होंने 280 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम ब्याज सहित क्लेम किया। उन्होंने कहा कि ये पैसा हमने दिया था और वो पैसा हमें वापस किया जाए। ये मामला जब प्रदेश सरकार ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अदानी पावर से प्रदेश सरकार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अदानी पावर से प्रदेश सरकार ने कभी किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो अदानी पावर को प्रदेश सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया। उस रिजेक्शन के बाद अदानी पावर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में आया और माननीय सिंगल जज ने, एकल न्यायाधीश ने, एकल पीठ ने अदानी पावर की याचिका को उसके हक में कर दिया और कहा कि प्रदेश सरकार बिना ब्याज के 280 करोड़ रुपया वापस करे और अगर ये पैसा 3 महीने में या 2 महीने में वापस नहीं किया जाता तो उस पर ब्याज देने का भी प्रावधान किया गया। इसी फैसले को प्रदेश सरकार ने डिवीज़न बेंच के समक्ष चुनौती दी थी कि, और प्रदेश सरकार का स्पष्ट कहना था कि ब्रेकल ने फ्रॉड किया था, वो फ्रॉड पहले ही हाई कोर्ट उसमें साबित हो चुका है और उसी फ्रॉड के बेसिस पर हाई कोर्ट द्वारा एक जजमेंट दी गई जो सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हुई, लेकिन उसको वैसे के वैसा रखा गया, वो जजमेंट कानून बन गया। उसके पश्चात हमने अपनी याचिका में कहा कि ब्रेकल और प्रदेश सरकार का तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ब्रेकल को प्रदेश सरकार ने अपफ्रंट प्रीमियम जमा कराने की बात की थी, परंतु अदानी पावर के साथ प्रदेश सरकार ने ना तो कभी कॉन्ट्रैक्ट किया और ना ही अदानी पावर को कभी कंसोर्शियम का मेंबर बनाया गया इस प्रकार। और दूसरी बात, जब न्यायालय में मामला चल रहा था, पुराना मामला, तब भी न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि जो भी मामले के दौरान किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट करेगा वो उसका व्यक्तिगत रिस्क होगा, प्रदेश सरकार या कोई अन्य उस मामले में दोषी नहीं होगा या उसके लिए जिम्मेवारी उसकी नहीं होगी। इस प्रकार उन सब मामलों के होने के पश्चात प्रदेश सरकार ने माननीय डिवीज़न बेंच के समक्ष ये प्ली रखी कि एक फ्रॉड पहले साबित हो चुका है और उस फ्रॉड के अंतर्गत अदानी पावर भी उसमें एक पूर्णतया हिस्सेदार है, क्योंकि उन्होंने ये जानते हुए कि न्यायालय में मामला चल रहा है, मामले में ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि ब्रेकल के पास इतना ना धन था ना उनका कंसोर्शियम बना था और जो भी उन्होंने पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट्स लिए थे वो फर्जी थे, वो सारे तथ्य न्यायालय के सामने थे। इसको देखते हुए भी अगर अदानी पावर ने कोई इन्वेस्टमेंट बैकडोर से किया है तो उस इन्वेस्टमेंट को प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। प्रदेश सरकार का एग्रीमेंट ब्रेकल और गवर्नमेंट के बीच में था और क्योंकि ब्रेकल ने मिसरिप्रेजेंट किया, फ्रॉड किया, तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के अनुसार जो भी कंपनी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंट करेगी वो किसी अपफ्रंट प्रीमियम वापस लेने की हकदार नहीं होगी। आज उस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है और उस फैसले में प्रदेश सरकार की दलीलों को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया और कहा गया कि
माननीय न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने जो पूर्ववत में फैसला सुनाया था, उस फैसले के अनुसार अदानी पावर को ये पता था कि हम एक रिस्क लेने जा रहे हैं, और वो रिस्क कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो रिस्क उनकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होगा। उस आधार पर अदानी पावर को पता था कि वो एक लिटिगेशन में चल रहे मामले में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो बैकडोर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है, पेज 8 पर जो फैसले के पेज 8 पर जो कहा गया है विभिन्न ग्राउंड्स में, उसमें स्पष्ट किया गया है कि अदानी पावर को ये सब पता था। वो पता होते हुए भी उन्होंने उस फ्रॉड में इन्वेस्टमेंट किया, और अंततः न्यायालय ने कहा कि अगर अदानी पावर की मंशा सही होती, अगर वो बोनाफाइडी इन्वेस्टर होता, तो उन सबको इन बातों का ध्यान रखना था दैट इन्वेस्टमेंट जो वो कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट एक ऐसे प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, एक ऐसी कंपनी के माध्यम से कर रहे हैं जिसका अपना अस्तित्व नहीं है, अपनी फाइनेंशियल पावर नहीं है। ये बातें सारी पेज 27 ऑफ जजमेंट पे कही गई, और उसके पश्चात जो अदानी पावर ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सेक्शन 65 और 70 में वो हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहकर इन्वेस्ट किया था कि हम अडानी पावर ब्रैकल में इन्वेस्ट कर रही है। न्यायालय ने आज उस दलील को भी रिजेक्ट कर दिया कि 65 और 70 सेक्शन के तहत उनका कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने उन्हें कभी भी कंसोर्शियम का मेंबर बनने के लिए अलाउ नहीं किया गया था, इसकी परमिशन नहीं दी गई थी। जब उनको पता था कि उन्हें परमिशन नहीं दी गई है, तो वो 65 और 70 के सेक्शन के तहत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो इस बात का फ़ायदा नहीं ले सकते, और 280 करोड़ रुपया जिसको वो मांग रहे हैं उसको उन्हें वापस नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि ये एट द बेस्ट अगर कोई इस प्रीमियम अपफ्रंट प्रीमियम की मांग करता तो वो ब्रैकल कंपनी थी, परंतु उसकी मांग भी बंद हो चुकी है, क्योंकि न्यायालय ने पहले ही कह दिया है कि ब्रैकल कंपनी ने मिसरिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, तथा कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार ब्रैकल भी इस अपफ्रंट प्रीमियम को वापस लेने का हकदार नहीं है। तो ये एक प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, और इस फैसले के अंतर्गत हाइडल पावर प्रोजेक्ट में जो मिसरिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए जा रहे हैं या किए जाएंगे उन सब पर एक प्रतिबंध लग जाएगा, क्योंकि एक कड़ा फैसला न्यायालय की तरफ से आया है। यही जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, ब्रैकल कंपनी ने जो मिसरिप्रेजेंट किया था, एक तो जो कंसोर्शियम के मेंबर उन्होंने बनाए थे, वो कंसोर्शियम के मेंबर के जो दस्तावेज सरकार को दिए थे वही फर्जी थे। वो उस न्यायालय में ने उस वक्त पाया था कि जितने भी दस्तावेज हैंडओवर किए गए थे वो फर्जी थे, और जब इसकी जांच विजिलेंस द्वारा की गई तब भी प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि ऐसे उन मेंबर्स ने, उन कंपनीज ने, जो फॉरेन कंपनीज ने, कभी हाँ ही नहीं की थी। तो सबसे बड़ा मिसरिप्रेजेंटेशन तो ये थी। कॉन्ट्रैक्ट में जो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें एक फाइनेंशियल पोजीशन का कॉन्ट्रैक्ट था कि एक फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की होनी चाहिए, लेकिन ब्रैकल के पास एक डॉलर की कंपनी बनी थी और उनके पास कोई अपनी फाइनेंशियल पोजीशन थी नहीं, जिसके बेसिस पे वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट के समक्ष शो कर रहे थे, वो बेसिस ही फ्रॉड पाया गया। तो इस कारण उस वक्त उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया था, और उस वक्त ये कहा गया था कि ये इन्वेस्टमेंट जो भी कंपनी है इसमें कर रही हैं, इस प्रोजेक्ट में बैकडोर कंपनियां कर रही हैं, वो सारी अपने रिस्क पर कर रही हैं। अडानी बैकडोर था, अडानी ने ही सबसे ज़्यादा बैकडोर इन्वेस्टमेंट अगर की हो, हमें नहीं पता वो की थी कि नहीं थी, पर वो अडानी का कहना था। गवर्नमेंट के पास जो भी अपफ्रंट प्रीमियम आया था वो सिर्फ ब्रैकल ने जमा करवाया था, और ब्रैकल को पैसा इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की थी, फ्रॉड किया था, मिसरिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की कोशिश की थी, जो न्यायालय में पहले ही स्पष्ट हो चुका है। अडानी किस आधार पे मांग रहा है? अडानी किस आधार पे ब्रैकल ने फ्रॉड किया था वो तो विजय चार्ज में साबित हो गया,
क्या अदानी के खिलाफ भी कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणी की है, क्योंकि वो भी उसकी एसओसी एक जैसे रही है? जी, अदानी के खिलाफ कोर्ट ने, देखिए ये एक सिविल मामला था, तो जो क्योंकि विजिलेंस की इंक्वायरी एक अपने आप में एक अलग इंक्वायरी है, लेकिन ये एक सिविल मामला था। परंतु इस सिविल मामले में भी जब हाई कोर्ट ने अडानी के बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि अडानी को बिल्कुल पता था अगर उसने इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि उन्होंने ये कोशिश की और उन्होंने ये कोशिश की कि हमने ये इन्वेस्टमेंट की है ये कहने की। दूसरा, उन्होंने एक ब्रैकल के किसी अधिकारी से एक लेटर लगाया, प्रदेश सरकार को भी लेटर दिया और न्यायालय में भी रखा कि ब्रैकल ये चाहती है कि ये पैसा अदानी को दिया जाए, जबकि वो लेटर ही फर्जी पाया गया। ये उस लेटर की पुष्टि नहीं हो पाई कि वो ब्रैकल ने ही इशू किया, क्योंकि जो व्यक्ति के हस्ताक्षर पाए गए वो व्यक्ति कई सालों से भारत में ही नहीं है और विजिलेंस जांच का हिस्सा है, जो जांच अभी चल रही है। तो ये सारे तथ्य जो हैं वो फ्रॉड की ओर इंगित करते हैं। लेकिन न्यायालय ने बड़ा स्पष्ट किया अपने पैरा 60 में, उन्होंने, अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ दूँ, इन ए सिचुएशन एंड फॉलोइंग द वेल सेटल्ड प्रिंसिपल विच हैव बीन एनन्सिएटेड अबव, ब्रैकल नॉर एनीवन ऑन इट्स बिहाफ कुड हैव क्लेम्ड ए रिफंड एज वाज सॉट टू बी डन बाय ब्रैकल इन केस एट हैंड वाइड कम्युनिकेशन डेटेड 24/8/2013 एड्रेस टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल वे बाय ब्रैकल एट सॉट टू रिलीज द अपफ्रंट प्रीमियम इन केस ऑफ एट हैंड टू अडानी। In other words, given facts and circumstances, Brackel itself was not entitled for refund. तो कोर्ट ने कहा कि जब Brackel अपने आप ही रिफंड लेने के लिए entitled नहीं था, उसका रिफंड नहीं दिया जा सकता, तो अडानी तो दूर की बात है, जिसके बारे में कोई तथ्य नहीं है, जिसके बारे में कोई फैक्ट ही नहीं है, जिसका गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। तो जब Brackel को ही पैसा वापस नहीं मिल सकता, तो अडानी कहाँ से पैसा क्लेम कर सकता है? ये तथ्य कोर्ट ने स्पष्ट किया है। बिल्कुल, या उसके बाद, क्योंकि देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, 2006 में ये प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार ने, अक्टूबर 2005 में ये प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार ने अलॉट करने के बारे में सोचा था। ब्रैकल ने इस प्रोजेक्ट में मिसरिप्रेजेंटेशन कर या फ्रॉड कर हासिल करने की कोशिश की और तब से लेकर आज तक ये प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ पाया। प्रदेश सरकार ने इस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए विभिन्न कोशिशें की और अब अल्टीमेटली SJVNL को इस प्रोजेक्ट को दिया है। परंतु अगर आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं तो ब्रैकल के इन कार्यों की वजह से जो वो इस प्रोजेक्ट को गैरकानूनी तरीके से इल्लीगल मोड से हासिल करने की कोशिश की, उस वजह से आज तक प्रदेश सरकार को 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपए का चूना लग चुका है, क्योंकि इससे बिजली पैदा होना शुरू हो जाना था। इस प्रोजेक्ट को 4-5 साल में बनना तय था, डिले हो गया, पर वो आज 2024 में, अक्टूबर 2005 में पहली बार अलॉट किया गया, वी आर इन जुलाई 2024 और आज तक ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। तो इस सब का कारण जो बेसिक फ्रॉड इस प्रोजेक्ट में हुआ, वहीं से ये नींव रखी गई और उस वजह से प्रदेश सरकार आज तक इसके घाटे में चल रही है। और हमने ये आर्ग्यूमेंट भी न्यायालय में दिया था कि ये तो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा 280 करोड़ का चला गया, लेकिन ये उस बात को बताएं कि इनकी वजह से जब प्रोजेक्ट नहीं बना और जो प्रदेश सरकार का 10,000 करोड़ का अर्जाना हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? वो आम आदमी का पैसा है, वो आम जनता का पैसा है, जो हिमाचल प्रदेश की भलाई में लगना था। तो वो सारे तथ्य भी न्यायालय के समक्ष रखे गए थे, परंतु वो तथ्य एक लीगल सबमिशंस नहीं थी, लेकिन वो एक ऐसी सबमिशन थी जिसको आधार बनाकर आम जनहित को माध्यम से इस न्यायालय को इस ये परसुएट करने की कोशिश की गई थी कि ये प्रदेश सरकार आम जनमानस के का नुकसान अडानी या ब्रैकल ने किया है। अनुप जी, एक तो ये जो प्रोजेक्ट था कब अलॉट हुआ था, दूसरा कितनी कैपेसिटी का था? देखिए 2005 अक्टूबर 2005 में कुछ 480 मेगावाट का एक था और अराउंड 900 मेगावाट का ये टोटल प्रोजेक्ट था। परंतु यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो जंगी तोपन अलॉट किया गया, वो 480 मेगावाट का प्रोजेक्ट अलॉट किया गया था अक्टूबर 2005 में। दो तो जंगी तोपन, दीज आर जंगी तोपन एंड थोपन पवारी, 480 मेगावाट ईच, तो ये बन गए 960 मेगावाट। तो 960 मेगावाट के प्रोजेक्ट थे।
टोटल। धन्यवाद। मतलब बढ़िया।